नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए अभिषेक जैन आज आपके साथ एक ऐसा डिस्कशन जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को पूछे गए। मेरे अर्लियर यूट्यूब वीडियोस पे आप खुद भी देख सकते हैं, कई कमेंट्स हैं उसमें, कई कंफ्यूजन है और मैंने आंसर भी दिए। उन्हीं सब क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ, बात करने वाले हैं सेक्शन 115BAC की, जो नया रिजीम आया है टैक्स का, उसमें कई क्वेश्चंस हैं जो हमें उसके आंसर चाहिए होंगे। अब इसको अगर हम 115BAC को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक आता है बिजनेस क्लास, एक आता है सैलरीड क्लास। और एक हम प्रॉपर बिजनेस क्लास को कर सकते हैं और अदर देन बिजनेस ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, अदर देन बिजनेस क्लास कर सकते हैं, उसमें अदर सोर्सेज इनकम एटसेट्रा जो भी है वो सब आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जानना यह है, केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए नई रिजीम की गई है। नई रिजीम के बारे में अगर आपको समझना है तो आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं, पूरा मैंने नई रिजीम के बारे में बताया है। पर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अलग रहेगा, न्यू रिजीम तो मेरे ख्याल से मोर और लेस हम समझ ही चुके हैं, बट क्वेश्चन अब कई रहेंगे, वन बाई वन उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, हम अदर देन बिजनेस क्लास पे पहुँचते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या सैलरीड एम्प्लॉई या अदर सोर्सेस इस पर्टिकुलर स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं हर साल और चाहे तो नहीं भी करें। तो आंसर है यस, हर साल एसएससी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो इस न्यू रिजीम को ऑप्ट कर सकता है और चाहे तो नहीं भी। तो ये एक क्वेश्चन। अब बात आता है कि न्यू रिजीम को ऑप्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, सबसे पहला हमें काम करना पड़ेगा, एक फॉर्म है 10IE। अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो 10IE फॉर्म ऑनलाइन आपको फिल करना पड़ेगा। इट्स अगेन अ सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन, तो वो आपको ऑनलाइन जाके फिल करना पड़ेगा कि आप ये ऑप्ट करना चाह रहे हैं। माइंड इट, ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न से पहले भरना है। और मेरा रिकमेंडेशन ये है, इवन ड्यू डेट से तो पहले आप भरने वाले हैं बट आप इनकम टैक्स रिटर्न से पहले ही ये फॉर्म भर दें, क्योंकि मिसमैचिंग जब होता, मैचिंग जब होता है तो कल को कहीं फॉर्म नहीं भरा वो ITR सबमिट हो जाए। हमने पहले भी देखा न्यू स्कीम्स जो कंपनीज के लिए थी, 115BAA BAB, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आई थी। तो अब मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप रिटर्न से पहले ही ये फॉर्म भरते हैं 10IE के रिटर्न। अब ठीक है, ये हमने भर दिया। अब एक और क्वेश्चन आता है, मैंने कई क्वेश्चन लिखे हुए भी है कि सर ओल्ड से न्यू रिजीम में जाने के लिए आपने बताया, तो हमारे दिमाग में यह है कि सर हमारे प्रॉब्लम क्या हुई हमारे साथ सैलरीड क्लास के, खास तौर पे मैं बता रहा हूँ कि सर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने न्यू रिजीम ऑप्ट कर लिया 2021 के अंदर, अब हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड ऑप्ट कर सकते हैं क्या? तो आंसर है यस, आप कर सकते हो। इररेस्पेक्टिव आपने एम्प्लॉयर को क्या सबमिट किया, अगर आपने एम्प्लॉयर को न्यू रिजीम सबमिट कर दिया डिक्लेरेशन करते समय, तो आप रिटर्न फाइल करते समय ओल्ड रिजीम चूज कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये आता है। देखो, आप फॉर्म आपको अलग से कुछ नहीं भरना, ना ITR के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक ऑप्शन चूज करना है। नॉर्मल रिटर्न जब आप भरेंगे उसी तरीके से आप ये रिटर्न भरेंगे, सारी इनकम आप एक तरीके से टोटल इनकम के स्केड्यूल्स के अंदर दिखा देंगे, उसके बाद में जो डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि 115BAC की एक कंडीशन थी कि कई डिडक्शंस, जैसे कि हम कह सकते हैं चैप्टर 6A की डिडक्शंस, हाउस प्रॉपर्टी की कुछ डिडक्शंस थी, 33A BA, ये सब कई ऐसी डिडक्शंस थी जो हम क्लेम नहीं कर सकते थे, परंतु अब साइंटिफिक रिसर्च की 35AD, तो ये कई एडिशनल डिप्रिशिएशन, कई ऐसी डिडक्शंस थी जो हम नहीं क्लेम कर सकते थे, और परंतु ओल्ड अगर हम रिजीम में रहते हैं तो ये सब क्लेम कर सकते थे। तो आप नॉर्मल जो डिडक्शंस हैं चैप्टर 6A की, चैप्टर 6A इन द सेंस ATC etc., वो आप सब क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि रिटर्न आप पहले भरते आए हैं वैसे ही अभी भरेंगे, और भरने के बाद अगर आपका रिफंड बनता है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अदर से कोई आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी। मैं फिर कहता हूँ, अगर न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में आ रहे हो एज इट इज, जैसे हमेशा से आप रिटर्न भरते आए हैं वैसे ही आप भरेंगे, और पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके जो डिडक्शन आपको क्लेम करना है वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ITR के भरते समय। तो ये एक और क्वेश्चन हुआ। और अगर हमें न्यू ऑप्ट करना है वो मैंने आपको बताया कैसे ऑप्ट करना है।
अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर ये इम्प्लॉयर अभी अब 21-22 का एक और क्वेश्चन हुआ 21-22 जो अभी रन है इसका भी मेरा क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं कि सर मैंने गलती से फिर न्यू रिजीम दे दिया, क्या मैं ओल्ड रिजीम में अब इम्प्लॉयर को दे सकता हूँ? मैं आपको बता दूँ सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन इस पर आया हुआ है कि इम्प्लॉयर को जो आपने एक बार सबमिट कर दिया तो वो फाइनल हो जाएगा, इम्प्लॉयर उसी के अकॉर्डिंग आपका TDS का डिडक्शन करेगा। अब आप अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो रिटर्न फाइल करते समय आप चेंज कर सकते हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये आती है कि क्या इम्प्लॉयर को सबमिट करना डिक्लेरेशन जरूरी है? क्लेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी डिक्लेरेशन सबमिट नहीं करते तो ये मान लिया जाएगा आप ओल्ड रिज्यूम में ही हैं। पर कई क्वेश्चन ऐसे भी आए मेरे पास जिसमें इम्प्लॉई ने ये मेरे से क्वेश्चन किया कि सर मेरे पास एक मेल आया कि उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप कोई डिक्लेरेशन नहीं देते तो हम ये मान लेंगे जो लास्ट ईयर आपने ऑप्ट किया था वही हम आपका ऑप्शन ऑप्ट मान लेंगे। मीनिंग देर भाई, अगर लास्ट ईयर आपने न्यू रिज्यूम ऑप्ट किया तो वो न्यू रिज्यूम ही आपकी नई टैक्स रिज्यूम मान ली जाएगी। तो अब ये एक नई कहानी है, तो ऐसे भी इम्प्लॉयर कर रहे हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना है डिक्लेरेशन सबमिट करते समय। पर घबराने की कोई बात नहीं, अगर गलत रिज्यूम आपने चूज कर लिया इम्प्लॉयर को अगर आपने सबमिट करते समय तो रिटर्न भरते समय आप इसको चेंज कर सकते हो। अब हम आते हैं बिजनेस एसएससी जो जिनकी बिजनेस इनकम है, यहाँ आप ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया कि एसएससी को ये ऑप्शन है कि हर साल वो चूज कर सकता है, पर बिजनेस इनकम जिस भी एसएससी की है उसको एक बार उसने अगर न्यू रिज्यूम ऑप्ट कर लिया फिर वो बाद में उसको नहीं कर सकता। तो बिजनेस इनकम के लिए ये बार बार ऑप्शन नहीं दिया गया, एक बार ऑप्ट कर लिया तो फिर वो वापस ऐसा नहीं ऑप्ट आउट कर लिया फिर ऑप्ट कर लिया, ऐसा कोई ऑप्शन उसको नहीं दिया गया है। इसमें कई डिडक्शंस हैं जो नहीं मिलेगी, जैसे कि मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, या 115JB मेट नहीं लगने वाला, मेट क्रेडिट नहीं मिलने वाला। तो ये ऑप्शन चूज करते समय आप बिल्कुल ध्यान रखें न्यू टैक्स रिजीम का कि क्या हमने कैलकुलेशन पूरी कर ली है और लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला, ये भी ध्यान रहे। पर यहाँ आपको मैं बता दूं एक मिथ, जो कई क्वेश्चंस भी मेरे पास आए कि सर फिर तो मेरे पुराने लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। केवल ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज, जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी है जो डिनाइड की गई है डिडक्शन, जैसे 33AB टी डेवलपमेंट अकाउंट, ABA साइट रेस्टोरेशन फंड, साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, आप समझ रहे हैं। तो ये जो कुछ एक्टिविटीज का जो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा डिडक्शन, इनसे ही अगर कोई लॉस है आप समझिएगा पूरा, तो वो लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो ये आप बात दिमाग से निकाल दीजिए। तो बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स थे जो न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में मेरे पास पहुंचे, मैंने कोशिश की उन्हीं को कंपाइल करने की कि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, बी एट होम, घोसला और घोसला मत छोड़िएगा। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल से अभिषेक जैन। कोई भी कन्फ्यूजन है मैं डिस्क्रिप्शन में, वैसे मैं नई लेटेस्ट अगर कुछ भी वीडियो से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट होता है मैं जरूर डालता हूँ, बट आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजोल्व योर क्वेरीज। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।